बड़ी खबर, रांची में फिर से गोली चली है, इलाका बरियातू का। एक व्यक्ति को गोली लगी है, उसे इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बरियातू में गोली चलने से सनसनी का माहौल उत्पन्न हो गया है। एक युवक को, जैसा हमने आपको बताया, गोली लगी है और उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, क्या कुछ था पूरा मामला, क्या कुछ थी इसके पीछे की मोडस ऑपरेंडी, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस सदल बल वहां पर पहुंच चुकी है, पूरे घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। अगर आखिर यह टटोलने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वह गुनहगार कौन था जिसने गोली चलाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और यह बता भी रहे हैं कि बरियातू में, यहाँ रांची का बरियातू इलाका, जहां गोली चलने से दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। सरे शाम गोली चली है, गोली चलाने वाला कौन है, उसे दबोचा गया है या नहीं गया है, इन तमाम मुद्दों पर जांच की जा रही है और उसे टटोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को गोली लगी है, बताया जा रहा है कि घायल अवस्था में, उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी इमरान, एक बार फिर से रांची गोली की गूंज से दहल उठा है इलाका, इस बार भले ही बरियातू हो, क्या कुछ है पूरा मामला और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ती देख पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले विस्तार से बताएं। देखिए, पूरे जो है बरियातू थाना क्षेत्र के मोरावादी स्थित ये पूरी घटना हुई है। ये पूरे घटना में जो सागर नामक युवक है, वो अपने फॉर्च्यूनर कार पर यहाँ पर मौजूद था। उसी दौरान जो जो अपराधी हैं, यहाँ पर पहले से ही ताक घात लगाए बैठे हुए थे, जिसके बाद 3 से 4 राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई। गोलियों की तड़तड़ाहट जब यहाँ पे जैसे ही चलनी शुरू हुई पिस्टल की, वैसे ही यहाँ से लोग भागते हुए नजर आए। लेकिन तब तक जो सागर है, उससे काफी हद तक जो है उनको गोलियां लग चुकी थी और उसके बाद वो गंभीर अवस्था में घायल हो गए थे। घटनास्थल पर काफी खून भी बह गया है। तो अभी तक जो पुष्ट खबरें मिल रही है कि जो सागर मुंडा है, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। हालांकि अभी कुछ देर में और भी कंफर्मेशन आ जाएंगे, लेकिन घटनास्थल पर जो वगे हैं सदर डीएसपी, कोतवाली डीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी, बरियातू थाना प्रभारी सहित कई अधिकारी पहुंचे हैं, पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं कि आखिर घटना के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि बबलू मुंडा के रिलेटिव बताया जा रहे हैं सागर, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो अज्ञात अपराधी हैं, वो जमीन विवाद से जुड़े होने के वजह के बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें युवक को गोली मारी गई है। तब देखना है कि इस पूरे घटना को लेकर के पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ उनका बयान होता है, क्योंकि घटना अभी कुछ देर पहले की है कुणाल, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी है, आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाल रही है। साथ ही साथ जो इलाके में जो डंप है, कॉल डंप्स भी निकाले जा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर उस वक्त घटना के वक्त एक्टिव थे, यहाँ पर कितने मोबाइल लोकेशन जो थे वो एक्टिव थे, जो कार्यरत कर रहे थे। साथ ही साथ घटनास्थल में जो फॉरेंसिक टीम है, उनको भी यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि 4 गोलियों के खोखे भी यहाँ से बरामद किया गया है। गोलियों के खोखे से ये साफ संकेत है कि तकरीबन 3 से 4 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और घटना के दौरान ये सारी चीजें देखने को मिली है। हालांकि 4 राउंड फायरिंग में गोली कितनी लगी मृतक को, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट या भी दूसरी चीजें जब वो घायल के शरीर का जब सर्च किया जाएगा तो उनके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल घटनास्थल पर प्रभारी सिटी एसपी के रूप में जो है अजीत पीटर डुंगडुंग सहित आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। इमरान, एक बात बताइए, क्या घायल व्यक्ति जो है उसके परिजनों से कोई संपर्क साध पाई है पुलिस, या उनसे कुछ बात हो पाया है, उनका किसी के ऊपर इशारा या उनका अंदेशा किसी के ऊपर था जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्या उनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई है? देखिए, शुरुआती जांच में अभी तक किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है कुणाल, क्योंकि घटना कुछ देर पहले की है। मैंने पहले ही कहा था कि घटना कुछ देर पहले की है, ऐसे में इस पूरे घटना पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी कि घटना के पीछे की वजह क्या है, कौन अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, या फिर कि किनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद अजीत पीटर डुंगडुंग है जो कि प्रभारी सिटी एसपी के तौर पर यहाँ पे मौजूद है, वहीं 3 डीएसपी, 3 थानेदार सहित कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे मामले के तफ्तीश में जुटे हैं। सभी लोग घटनास्थल पर ही है, ऐसे में जो जिस प्राइमरी फेसी जिसको गोली लगी थी उसे फौरन उठा करके रिम्स भेजा गया था ताकि बेहतर इलाज कराया जा सके। लेकिन अभी वहां से जो खबरें आ रही है कि उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी, यहाँ से ले जाने के दौरान उसकी स्थिति वो
डेथ की सूचना मिल रही है, लेकिन अभी उसकी भी कंफर्मेशन होनी बाकी है। हालांकि आला अधिकारी यहाँ जब पहुंचे हैं तो उनका कहना है कि पूरी मामले की तफ्तीश के बाद ही पूरे मामले में कुछ भी कहा जा सकता है कि घर के पीछे की वजह क्या है, लेकिन जिस बैकग्राउंड के व्यक्ति को गोली मारी गई जमीन विवाद से जुड़ा मामला हो सकता है। चलिए, आधिकारिक तौर पर तो जो पुष्टि होगी वह होगी, वह उसके बारे में जानकारी भी हमें मिलेगी। लेकिन बरियातू काफी व्यस्तम इलाकों में से एक माना जाता है रांची का, सरे शाम वहां गोली चल जाना रांची के लिए कोई नई बात नहीं है, तो क्या पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, और खास तौर पर जिस तरह से अवैध हथियार सक्रिय हैं इस पूरे राज्य में, उसके लिए भी विशेष फोकस होगा?